एक बार फिर से पाकिस्तान की बेवकूफी से टल गया है एशिया कप का स्केड्यूल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। एशिया कप का स्केड्यूल जो है वो आने का नाम ही नहीं ले रहा है, हमेशा हमेशा टलता ही जा रहा है। कभी लग रहा है आज आएगा स्केड्यूल, कभी लग रहा है कल आएगा, लेकिन स्केड्यूल जो है वो आने का नाम नहीं ले रहा है पाकिस्तान की कुछ बेवकूफियों की वजह से। क्योंकि अगर पाकिस्तान इसमें अड़ंगा नहीं डालते तो अभी तक शायद एशिया कप का जो स्केड्यूल है वो पूरी तरीके से आ जाता। और अब लगभग 2-2.5 महीने बचे, सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त में बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त सितंबर में लगभग 2 महीने के अराउंड बचे, अभी तक स्केड्यूल नहीं आया है, तो तैयारियां कैसे होंगी। फिलहाल आपको बता दें कि अब एक नई खबर, नया मोड इस चीज में एक बार फिर से आ गया। दरअसल पीसीबी के जो नए चीफ है ज़ाका अशरफ, उन्होंने कहा है कि वो जो है एशिया कप के स्केड्यूल को लेकर जय शाह से जल्द मीटिंग करेंगे, वहीं पे सारी चीजें तय होंगी। बेसिकली पाकिस्तान थोड़ा सा रूठा हुआ है, रूठे हुए बच्चे की तरह रूठ गया है पाकिस्तान, और वो उनको चाहिए कि अगर एशिया कप की मेजबानी उनकी है तो सारे मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होने चाहिए, ना कि सारे मैचेस जो है श्रीलंका में होने चाहिए। साथ ही साथ अभी कुछ दिनों पहले ही, यानी कल ही, कुछ दिनों पहले दूर नहीं जाते, कल ही जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है एहसान मजारी पाकिस्तान के, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि हमें हाइब्रिड मॉडल स्वीकार नहीं है। अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत ही एशिया कप होगा तो वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। अगर भारत जो है पाकिस्तान नहीं आएगा एशिया कप खेलने तो हम भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में कराएंगे, हम भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। बेवकूफी वाला बेतुका बयान जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर का निकल कर आया था। हालांकि इन सब के बाद अभी पिछले ही हफ्ते एक न्यूज निकल कर आई थी जिसमें ये पता चला था कि जय जो बीसीसीआई के एक अधिकारी है उन्होंने ये चीज बताई थी कि देखिए पाकिस्तान कितनी भी तीर मार ले, पाकिस्तान कितना भी अंधेरे में तीर मार ले, उनका कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जितने भी चीफ बदल ले, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल इनका पैगाम था, इनका एक फरमाइश थी पाकिस्तान वालों की। भारत ने कभी नहीं बोला कि हाइब्रिड मॉडल में कराए, बल्कि पाकिस्तान की ये मांग थी कि हाइब्रिड मॉडल में कराना चाहिए एशिया कप, वो मांग हमने स्वीकार कर ली। तो बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा थोड़ी होगा कि आप जो है पीसीबी के अलग अलग चीफ बदलते रहेंगे तो अलग अलग बार जो है आप हाइब्रिड मॉडल के तहत बिल्कुल चिंता जताते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये कुछ कहा है, अब देखते हैं कि मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है जो ज़ाका अशरफ और जय शाह के बीच में मीटिंग होने वाली है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान को आना तो पड़ेगा ना, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में आना ही पड़ेगा, पाकिस्तान को अपने मैचेस खेलने ही पड़ेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेट्स सी मीटिंग में क्या कुछ हल, क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। आपकी इसमें क्या राय है मुझे जरूर।